शुरू तो करें शुरू या आपको आता है? सर। वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम मोमेंट एस्टिमेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओहो वाई का निकालें किसका निकालें बताइए, इसका मीन क्या बताओ। मीन दिया है नहीं दिया? वाई एक्स माइनस थीटा था ना, तो मीन थीटा है ना हमारा। यस सर। और के आसान रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं? पीडीएफ बना दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई थीटा हो गया ना, वाई का मीन लिखना है। डायरेक्टली नहीं निकाल सकते? कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो जीरो आ गया, तो यार ये कैसे हुआ? टू माइनस थीटा था ना, अच्छा प्लस टू थीटा हो गया, सॉरी हो गया। यस सर। हो गया ना? यस सर। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों समझे? मतलब मैंने वाई करके एक्सप्रेशन बना दिया, आप जैसे मर्जी कर सकते, इच्छा आपकी। लिख लो सॉल्यूशन। आगे चल। यस सर। गेट 2021 का क्वेश्चन है, एमएस का, एमएस नहीं होता यहाँ, स्टैट्स होता है, एसटी होता है। रिलेशन एन एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके एक्स नॉर्मल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, नीक व्हेन सिग्मा इज नोन। तो वैसे होता क्या है, 95% म्यू बिलोंग्स टू एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू सिग्मा अपॉन रूट एन। एक तो ये हो गया इज यूनिक। yes, नहीं बेटा नॉट यूनिक। यस क्योंकि ऐसे आप वन टेल भी तो निकाल सकते हो बेटा, माइनस इनफिनिटी से एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय सिग्मा, आप ये भी तो निकाल सकते हो मेरे बेटे, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय टू। तीन इंटरवल आ गए ना देखो मेरे बच्चों, क्यों तो नॉट नॉट यूनिक आएगा ना बेटा, तो बी आंसर वन है बेटा। क्यों मेरे बच्चों बताओ? और यही फॉर्मूला होता ना हमारा, क्योंकि सिग्मा नोन है तो आप ये निकालते ना फॉर्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल। यस सर। अच्छा अल्फा बाय टू नहीं रहेगा, अल्फा और क्योंकि वन टेल हो गया ना, तो क्यों आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है ना, समझ में आया बेटा?
प्रीति जी? यस सर। ये तो अच्छा, कितना इजी क्वेश्चन है ना। कहता है x1 x2 बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर, अच्छा सिग्मा जीरो से बड़ा, एफ सिग्मा ड्यू टू द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1 टू xn s। अच्छा ठीक है, जो भी दे रखा है, लेट t1 t2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर न्यू अल्फा जीरो काई स्क्वायर न्यू अल्फा डिनोट द 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल ऑफ द सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। Consider testing of x0 sigma 0, which of the following statements is R true? इनमें से कौन सी statement true होगी? करें भाई, मैंने बता देंगे quantile, first quantile, quartile नहीं समझे, quartile पर third quartile 75% 25% ऐसे करते हैं। फिर से x1 to xn normal को follow करता है, okay जी। एक्स साइज फॉलोज नॉर्मल जीरो कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये समझ में आ गया। एफ सिग्मा नोट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एंड एस एफ सिग्मा लेट टी वन टी टू समेशन एक्स साइज स्क्वायर वन माइनस आर फॉर एनी पॉजिटिव न्यू वन नोट द वन माइनस अल्फा क्वांटाइल ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चन टेस्टिंग करनी है। क्रिटिकल रीजन चाहिए, कहाँ से रखा क्रिटिकल रीजन? तो पहले तो देखो, पहले करते हैं एल वन अपॉन लाइक्लीहुड ऑफ एच वन अपॉन लाइक्लीहुड ऑफ एच नॉट करते हैं, राइट? हाँ जी बच्चों, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन, राइट? चलो करो, तो लाइक्लीहुड ऑफ एच नॉट करते हैं, वन अपॉन रूट टू पाई आएगा, और कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं, बोल बेटा। तो टू पाई की पार क्या कर दूं? एन बाय टू सिग्मा वन है, एच नॉट एल वन लिख रहे हैं ना, तो अभी e की पावर माइनस जीरो सिग्मा स्क्वायर, म्यू तो हाफ ही है ना, हाफ, तो यहां सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, आई थिंक यही आएगा बस, है ना? और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे बेटा? वन अपॉन टू पाई एच नॉट की वैल्यू सिग्मा वन है, तो e की पावर माइनस हाफ समेशन एक्स आई स्क्वायर, यही आएगा मेरे बेटा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट? ये तो कट कुट गया, राइट? ये पावर ऊपर चली गई, तो ये हो गया e की पावर में समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? के करेक्ट है बेटा, यहां तो समझ में आ रहा है सबको? फिर एक्सपोनेंशियल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो ठीक है बेटा, वन बाय टू बाहर ले लिया सारे में से, मैंने फर्क नहीं पड़ता उससे, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय टू बाहर हो गया, अंदर क्या बचा? वन माइनस वन बाय सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ही है ना अभी तक भी, ठीक है बेटा। अब देखो सिग्मा, सिग्मा किससे बड़ा दिया हुआ है? वन से, एच वन में ना, अरे एच वन ही तो था ऊपर, तो सिग्मा स्क्वायर किससे बड़ा हो गया? वन से, तो वन अपॉन सिग्मा स्क्वायर किससे छोटा हो गया? वन से, तो माइनस वन बाय सिग्मा स्क्वायर किससे बड़ा हो गया? माइनस वन से, नहीं समझे? इधर प्लस वन ले आओ इधर उठा के, तो वन माइनस वन बाय सिग्मा स्क्वायर जीरो से बड़ा है कि नहीं बताइए टामी, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा ना। हाँ वाह, वेरी गुड, आई क्रिटिकल जो यही लिख दूं, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्या ये क्रिटिकल रीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? बताओ सारे बच्चों। यस सर। अब एक्स आई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है? एन जीरो, एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक्स आई का क्या है? अगर एक्स नॉट के हिसाब से, एक्स नॉट के हिसाब से अंडर एक्स नॉट वन ना, तो एक्स आई स्क्वायर क्या हुआ? आई स्क्वायर वन, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या हुआ? आई स्क्वायर एन। ये समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ बच्चों,
तो एट लेवल अल्फा बात कर रहा था, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन. तो वी रिजेक्ट एच नॉट, मतलब अगर यहां लिख दूंगा यहीं पे अल्फा प्रोबेबिलिटी की काई स्क्वायर एन इज ग्रेटर देन सी, यही होगा ना? नहीं समझे मेरी बात? Yes, अरे समेशन एक्स काई स्क्वायर ग्रेटर देन सी मतलब काई स्क्वायर एन ग्रेटर देन सी हुआ ना. तो तुम्हारा c हो गया ना, जो t1 हो गया काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा हो, तो कौन सा आंसर ग्रेट हुआ? a हुआ ना ग्रेट? यस सर. अरे काई स्क्वायर एन अल्फा से बड़ा होगा, यही तो लिखा है इसने. t1 हुआ ना, ये देखो ये आ तो गया. t1 के लिए तो आई है वैल्यू, ये चीज t2 के लिए तो वन बाय एन समेशन एक्स साइड का स्क्वायर, ये तो आया नहीं हमारा. हम t2 के लिए बात ही क्यों करें? सॉल्यूशन साफ साफ नहीं लिखा, पर समझ में आया होगा बच्चे. हाँ जी परिधि, संजना. यस सर, क्लियर है. हाँ ये क्रिटिकल रीजन आ गया बेटा. फिर एक्स आई एन जीरो वन हो गया, क्योंकि एच नॉट के लिए बात करनी है. एच नॉट में तो सिग्मा इज इक्वल टू वन है बेटा. अल्फा तो क्या होता है? साइज ऑफ टेस्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एरर. रिजेक्ट एच नॉट में एच नॉट ट्रू, तो सिग्मा वन के लिए किया बेटा. तो एन जीरो वन हो गया, तो काई स्क्वायर स्क्वायर काई स्क्वायर समय काई स्क्वायर एन हो गया, और अल्फा साइज था तो एन कॉमा अल्फा हो गया. तो टी वन के लिए बात हो गई हमारी. सच हाँ अच्छा क्वेश्चन. एमएसक्यू टाइप है, एक आंसर आया और कौन सा ठीक? टी2 पे फाइंड करना है. टी2 क्रिटिकल रीजन कहां आ रहा है हमारा? हमारा क्रिटिकल रीजन समेशन एक्स साइज पर आ रहा है बेटा. टी2 पे तो बात ही नहीं लगती ना. और रिजेक्ट का पूछ रहा है, तो 1 माइनस अल्फा तो डू नॉट रिजेक्ट हुआ ना बेटा. एक ही करेक्ट हो सकता है ना. ठीक है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया मेरे से, ये तुम्हारे लेवल का नहीं. वही कोरिलेशन रिलेशन इस पे देखो अपने लेवल का क्वेश्चन. क्या मांग रहा है क्वेश्चन बताओ? टू बायनोमियल सैंपल साइज टू हो गया पहले बात. Binomial with parameter 2. For x naught p is equal to half, may observe the value of likelihood ratio test equal to. L1 upon L. Just a marji kar. Main p naught upar kar leta hu, p1 nahi chahiye. Ye karna kya hai? प्रोडक्ट आएगा ना दोनों नीचे ऊपर तू बेटा, और एक में तो वैल्यू दी है पी नोट में तुम्हें, हाफ पी वन में नहीं देना वैल्यू. तो टू सी ए टू माइनस यही आएगा ना. अब पी के बाद उसमें समेशन करेंगे, तो पहले समेशन प्रोडक्ट कर दो पहले. पहले तो लाइकलीहुड निकाल लो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले सिर्फ लाइकलीहुड निकालो. पावर में समेशन एक्स हो जाएगा. क्यों बेटा? समेशन एक्स आई कितना होगा? सैंपल तो दो ही. लेट जीरो बी टू द रिलेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज टू फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. साइज भी टू है, पैरामीटर टू है, एंड पी इज इक्वल टू हाफ है.
तो समेशन एक्स आई की वैल्यू टू ही लें क्या? क्योंकि एन टू दे दिया ना उसने, रुको पहले लाइक टू निकाल दे, टू सी वन माइनस पी की पावर टू माइनस एक्स आई है ना, तो अब टू सी एक्स आई को क्या लिखेंगे बदो, लिखते रहो आप पी टू दी पावर समेशन एक्स आई वन माइनस पी की पावर टू समेशन, इसमें भी आएगा फोर माइनस समेशन एक्स आई नहीं होगा भाई, तो समेशन तो इसमें भी आएगा ना, और समेशन एक्स आई टू है तो पी टू दी पावर टू वन माइनस पी टू दी पावर टू यही आ रहा है भाई। हाँ जी बोलो, तो क्रिटिकल रीजन क्या हो गया हमारा, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, एच नॉट में पी हाफ है, वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वन माइनस पी का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं बात ये। अभी पी चाहिएगा तो एम एल ई मेथड से पी निकालो, इस पे लॉग लगाओ भाई, टू लॉग पी प्लस टू लॉग वन माइनस पी, अब विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करोगे बेटा, इक्वेट करोगे जीरो से तो पी आएगा ना, यहां से चेक करो पी हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से पी हाफ आ रहा है तो आंसर वन हो जाएगा। बेटा एच वन में जो पी है ना वो एम एल ई मेथड से एस्टिमेट करके निकालना है आपको, और सैंपल आपको दिया हुआ है, सम समेशन एक्स आई टू है, सैंपल पी हाफ है बेटा, पी हाफ है, पी हाफ है तो ये आंसर वन आ गया इसका, तो पी कैप आपने निकाल लिया एम एल ई मेथड से, हाफ रखोगे तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें पी इन्वॉल्व नहीं था ना। हाँ बेटा, किसमें बेटा, टू सी एक्स आई को, इसलिए हाँ इसलिए लिखा, उसमें वो तो कट जाएगा नीचे ऊपर कट जाएगा ना वो तो, यस सर, तो आंसर वन आ गया बेटा इसका, आया समझ में तेरे क्या नाम है अमृत, यस सर। अब देखो क्या था ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इक्वल्स टू वन, सर ये जीरो कॉमा टू क्या दिया स्टार्टिंग में, लेट जीरो बी द रिलेशन ऑफ रैंडम सैंपल फ्रॉम सैंपल वन की वैल्यू वन है और सैंपल टू की वैल्यू टू है, तभी तो सम टू आया, ठीक है यस सर। इसकी ना लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है ना गेट की, कराए ये करोगे अल्फा कैप बीटा कैप आ गया, बीटा कैप होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, ये अल्फा बीटा होता है मेथड होता है ऑर्डिनेट स्क्वायर का, फॉर्मूला लिखो हाँ, पहले वैल्यू डालो, एक्स का मीन निकालना है, वाई का मीन निकालना है, और ये एक्स आई वाई का प्रोडक्ट करके सम करना है, ये सब वैल्यू पुट करनी है। अब जे वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो अल्फा कैप आ रहा है आपका 5.3297,
बीटा कैप आ रहा है इसने अमृत्य देखा नहीं, तुमने लेक्चर नहीं तो अब तक कर देता है इसको वन। नहीं सर देखा था यार। ये तो इजी क्वेश्चन दिया था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स, पर ये बहुत आसान है ना। हो गया क्वेश्चन नंबर 39, मजा आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है गजब, जरा बनाने की कोशिश करो, मैं कराता हूं आपको प्लीज। मैं बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, आप पहले ट्राई करो सारे बच्चे को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्लीज। पहले टी समेशन एक्स आई, पहले बताओ एक्स आई एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है? यस सर, विद पैरामीटर 1/2, एक्स वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक्सपोनेंशियल n बाय थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर, मिनिमम भी एक्सपोनेंशियल होगा। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, है ना। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, टी मतलब समेशन एक्स आई हुआ ना आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई, पहले बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या है? एन टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई विच इज एन, तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाय एन इज इक्वल टू थीटा आया कि नहीं आया बताओ। T by n is an unbiased estimate, right? Yes, sir. T by n is an unbiased estimate of theta, correct hai baat? Theta, to theta cap T by n ho gaya aapka. Correct ho gaya yahan tak. Ab aapko nikalna hai expectation of x1 गिवन टी, एक्स वन का एक्सपेक्टेशन निकालना ना बेटा, है ना। तो बताओ एक्सपेक्टेशन एक्स वन निकालो, तुम टी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, क्या फॉर्मूला होता है? अरे एफ ऑफ एक्स वन ही बता दो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन तो बाद क्यों करोगे, पहले एफ ऑफ एक्स वन बता दो। चलो वन माइनस एफ एक्स एक्स एन माइनस वन टू पी डी एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा एन बाय थीटा, है ना, ई की पावर माइनस एन बाय थीटा एक्स, और यही होगा ना बेटा। तब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन टी करना है आपको,
तो इंटीग्रेशन करोगे भाई, तो जरूरत है वैसे, सीधा निकल सकता है एक्सपेक्टेशन। तो थीटा बाय एन हो गया ना एक्सपेक्टेशन, बताओ भाई। हाँ जी यस सर, थीटा बाय एन हो गया कि एन थीटा हो गया सर? एक्सपेक्टेशन है ना 1 बाय लैम्डा, तो थीटा बाय एन ही हुआ। थीटा बाय एन हो गया। और थीटा कैप किसके बराबर है? तो टी बाय एन स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन टी इज इक्वल टू टी बाय एन स्क्वायर, और टी इसके बराबर था समेशन एक्स आई के। चेक करो आंसर, यही आंसर आ रहा है क्या? इन टर्म्स ऑफ टी तो लिखना था आपको, देखो ना ए बी सी डी, देखो ना आप। अमरते समझ में आ गया बेटा? यस सर। लिख लिया संजना? एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स आपके कोर्स में नहीं है, पर बता देता हूं, कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाए तो उसको एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। पर कंप्लीट तो हमारे कोर्स में है ना, वो तो करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मैंने फिर भी क्वेश्चन लिख लिया है आपके जानकारी के लिए। एंसिलरी का मतलब होता है आपको थीटा रिमूव करना होता है विद इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कोई नहीं, पी के लिए कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स तो चेक कर ही सकते हैं। तो एक्सन टू एक्सन बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया भाई हमारे को? यूनिफॉर्म। थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से बड़ा है थीटा। एक्स वन तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा हमारा, पहले तो ये देख लो। आता है ना एफ ऑफ एक्स वन डायरेक्ट निकालना बेटा, क्या होता है एन टाइम्स वन माइनस एफ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स होता है ना बेटा। तो एन तो एन ही है हमारे पास, वन माइनस एफ एक्स होता है हमारा एक्स माइनस ए, इंटू वन अपॉन टू थीटा। देखो सॉल्व करके कुछ बन रहा है क्या? ये टू थीटा एलसीएम हो गया, टू थीटा माइनस थीटा, तो थीटा माइनस एक्स अपॉन टू थीटा की पावर एन माइनस वन इंटू वन बाय टू थीटा आ गया। ये तो एफ ऑफ एक्स एन का पीडीएफ आ गया, एफ ऑफ एक्स वन। हाँ यही है ना बेटा। अब एक्सपेक्टेशन निकाल लो इसका, क्यों बताओ क्यों निकाल रहा हो, पहले बताओ क्यों क्यों कर रहे हो सर ये सब कुछ? आप पहले बताओ एमएलई क्या हुआ इसका? थीटा वन और थीटा टू हुआ ना, मतलब एक्स वन और एक्स एन हुआ ना, तो एक्स वन इसका वो आ गया एमएलई आ गया। तो x1 x2 जॉइंटली सफिशिएंट भी होता है, तो हमें क्या चेक करना है उसका कंप्लीटनेस। अरे ठीक है, तो x1 x2 का क्या निकाले? पीडीएफ। अब एक्सपेक्टेशन निकालता हूं। अरे ठीक है बेटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 निकाल रहा हूं, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस थीटा से थीटा बेटा, है ना?
नहीं बेटा हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला करने से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स1 करना क्या आंसर आएगा, आएगा ही नहीं। पीडीएफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स1 एन हाँ बोलना क्या आंसर आएगा, थीटा इनटू एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। नहीं जो मैं कह रहा हूँ करो सही ना, जरा एक बार बताता हूँ अभी आपको, एक्सपेक्टेशन तो निकालो पहले अभी आप। ऐसी ऐसी तो फिर हमें एफेक्शन भी निकालना पड़ेगा yes. और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो वैसे कंप्लीट नहीं होगा ना, नहीं होगा कंप्लीट तो पता है मुझे, तो हमसे मांगा है फिर उसने लास्ट में एक्सपेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स1 एक्शन इज कंप्लीट एक्सन माइनस एक्स1 इज इंडिपेंडेंट डेटा। अच्छा इसलिए चेक करना पड़ रहा है हमारे को इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है कि नहीं, पर कंप्लीट तो नहीं है। अरे जॉइंट सफिशिएंट कभी कंप्लीट नहीं होता, एंसिल इसे चेक कर रहा था तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना, रोटेशन ऑफ एक्शन माइनस एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो जॉइंट सफिशिएंट स्टडी तो। हां इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी यार, सही कह रहे हो। एक बार देखना जरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन माइनस एक्स1 इंडिपेंडेंट थीटा आएगा। सर एंक्लेरी में इनका एक्सपेक्टेशन थीटा से इंडिपेंडेंट हो। हाँ बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए और कंप्लीट होने के लिए जीरो भी आना चाहिए, पर इसमें तो खैर बात नहीं है। बेटा जो हमने ये कंप्लीटनेस देखा था ना यहाँ पर, अगर मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स1 प्लस एक्सn इज जीरो बट एक्स1 प्लस एक्सn इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा हमारा, तो इसलिए एक्स1 तो इसलिए कंप्लीट नहीं होगा, वो भी जीरो आता तो कंप्लीट हो जाता ना, ये थे ना कंप्लीटनेस की डेफिनेशन बेटा। यस सर। सर इनका कोई भी फंक्शन ना ऐसा एक्स1 और एक्सn तो कंप्लीट तो है नहीं, तो पर वैसे भी मेरा शॉर्टकट याद रखो आप, हाँ जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है तो वो कंप्लीट नहीं होगा, एंसर नहीं हमारे कोर्स में है नहीं, पर है तो चेक करो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सn माइनस एक्स1 निकालो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए, नहीं आएगा नहीं आ रहा तो ये क्यू भी गलत है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। रायता क्यों फैलाना था, हाँ सिंपल था 51, ये तो इजी लग रहा है देखने में, फैमिली निकालना है निकालो ना एमएलई, क्या सोच रहे हो कितना सैंपल साइज है, 4 थीटा की पावर 4 की पावर 4 प्रोडक्ट एक्स आई की पावर 2 थीटा माइनस 1 अपॉन लॉग लाइकलीहुड 4 लॉग थीटा माइनस लॉग 1 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 1 माइनस थीटा समेशन लॉग एक्स आई है ना, डी बाय डी थीटा 4 बाय थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस 4 होता। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, करो ना, और समेशन लॉग एक्स सारी वैल्यू पे लॉग लगा के ऐड कर दो उनको, नहीं
निकाला था समेशन लोग एक्स आई माइनस 5.45 आया मेरा समेशन लॉग एक्स आई मैंने निकाला था माइनस 5.45 और डिफरेंशिएट करो इक्वेट करो जीरो से तो थीटा क्या भाई ये आना चाहिए आइदर 1 और 0.5 और थीटा की रेंज दी हुई है आपकी 0.5 से 1 तो 0.5 ही हुआ इसका मतलब सर करिए आप लोग अपने आप प्लीज चेक अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर 1 अपॉन बेटा 1 थीटा का होल स्क्वायर हां उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके रूट आएंगे उसके मैंने बताया ना थीटा का 1 और 0.5 आ रहा था और थीटा का इंटरवल दिया हुआ है 0.5 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1 तो थीटा 0.5 ही हो सकता है इस क्वेश्चन में सर समीशन लोग एक्स आई की वैल्यू भी दे दी मैंने आपको ऐसा लग रहा है लेट करनी होगी हाँ ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से फॉर्मूला चेंज हो गया पढ़ने का मतलब जैम के क्वेश्चन का ट्रेंड और इसके क्वेश्चन ट्रेंड में फर्क नहीं है एमएलई का क्वेश्चन है पर लेवल देखो बढ़ गया थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई टाइप बढ़ गया मैंने तो साइंटिफिक कैलकुलेशन निकाला है यही है हमारे पास भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है माइनस 5.45 हाँ वो तो समेशन लॉग एक्स आई है कौन सा है 9 in 1 MS अच्छा मॉड इक्वेशन 1 टू वेरिएबल अच्छा हाँ थोड़ा था इससे अब तो बहुत नए नए आ गए हैं कॉलेज के टाइम लिया होगा तुमने है ना कर लेना मरते हैं बेटा यही आएगा ठीक है संजना तेरा पी वैल्यू आ गया भाई yes, अब करो पी वैल्यू को अगर हो गया तुम्हें आ गया अगर टेस्टिंग किसकी है तो देख लो सैंपल साइज म्यू की टेस्टिंग है पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ ना अच्छा तो हमारा फॉर्मूला टेस्ट एट पी क्यू हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन फॉलोज एन 0 1 टेस्ट एड्रेस अच्छा पी वैल्यू बना है तो टेस्ट एड्रेस से ही आ जाए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो एक्स बार कितना दिया हुआ है अपने को 5.608 और म्यू की वैल्यू है 5.02 सिग्मा 10 हो गया 3 10 हो गया वैल्यू क्या है टेस्ट एड्रेस की बेटा पी वैल्यू टू टेल टेस्ट है कि राइट टेल है लेफ्ट टेल है पहले बताओ टू टेल तो टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन टेस्ट एड्रेस बस टेस्ट एड्रेस की वैल्यू बता दो और आंसर चल के आएगा तुम्हारे पास 1.96 है यस सर 1.96 तो जेड ग्रेटर देन 1.96 मतलब कितने परसेंट पे आएगा 2.5% सर गिवन भी तो है तो आ गया आंसर भाई हमारे क्या चाहिए पी वैल्यू 5% आ गई यस सर सर 0.05 ही आंसर
यस बेटा हो गया यस सर ठीक है एक्स ऑन कुछ आसान सा होगा देखो जरा एक बार बेस्ड ऑन एक्स और द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ द साइज 0.05 पहले क्रिटिकल रीजन निकलेगा ना कैसे कैसे एक क्लास में कराया हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी आती है याद है किसी को परिधि कोई भी मेरी क्लास किया होगा उसमें जब भी ऐसे डेटा आता है ये डिस्क्रीट वैल्यूज है ना 7, 8, 9, 10 तो क्रिटिकल yes. 1 से बड़ा किसमें आएगा बताओ ना क्या करते हो आप L likelihood of H1 upon likelihood of H0 is greater than K is greater than equal to K yes sir तो H1 H0 दिया ना ये तो पक्का P1 P0 दिया है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद ये P0 होगा ये P1 होगा तो किसकी रेशो 1 से बड़ी है बताओ 0.91 से बड़ा है बस एक ही आंस है ना तो इसके हिसाब से क्रिटिकल रीजन जो आएगा x इज इक्वल टू 7 ही आएगा फिर तो सर एक बार रिपीट कर अल्फा probability reject H naught x is equal to 7 when H naught is true तो 0.69 आ गया आपका आंसर टेस्ट साइज दिया हुआ अच्छा यहाँ पे वन से बड़ा किस किस में और भी आ रहा होगा ना 0.01 upon 0.05 क्या आ रहा है पॉइंट नहीं आ रहा ये भी नहीं आ रहा यही आ रहा है 7 वाला ही क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है पक्का कुछ इंटरप्रेटर देखूंगा मैं इसको ठीक है विल्किंसन साइन ट्रैंक टेस्ट तुम्हारे स्टैट्स में था बेटा ये तुम्हारे जैम में नहीं है याद है आपका म्यूटी का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर होता था हाँ और वेरियंस ऑफ टी का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 24 था विल्किंसन रैंक टेस्ट बेटा चलो तुम्हारे को नहीं है अभी ये मल्टीपल वेरिएबल है ये भी नहीं है तुम्हारे को आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर 2022 का तेरवा ये तुम्हारा क्वेश्चन है हाँ ये तुम्हारा लायक है करो इसको बेटा शाबाश आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर भी बहुत इजी है वैसे तो पर लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है Thank you.
सैंपल वेरिएंस तो अनबायस एस्टीमेट होता है ना, पर एस तो थोड़ी होता बराबर सिग्मा। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एमएलई निकाल दें। बेटा देखो ये तो ठीक है, ये ठीक। अब एमएलई के लिए आ जाओ, एमएलई के लिए क्या करोगे? प्रूव करके बताऊं कैसे नहीं होता ये? प्रूव करूं क्या? यस सर, प्रूव कर दो। एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर होता है। परंतु इसका रूट करूंगा ना, अगर कोई फॉर्मूला नहीं बना पाएगा तो काई स्क्वायर से करते हैं जब भी वेरिएंस की चर्चा होती है। क्या सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ए होता है बट एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट सेम एज जी ऑफ ए, यस और नॉट? अरे बोलो भाई। यस सर। तो ये इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, तो टू करेक्ट होगी, फिर और क्या होगा? सर टू को प्रूफ तो कर देता हूँ यार, नाराज हो रही हूँ। पहले वाले का रीजन समझ में आ गया भाई, कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ए है तो एक्सपेक्टेशन जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए, वो तो क्वाइट ऑब्वियस। तो ये तो याद रखो कि वन तो इनकरेक्ट है। अब टू के लिए बारी आ गई भाई हमारी, अमर तक कह रहे हो तो मैं कर रहा हूँ, करता नहीं मैं। एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालना है हमें। क्या निकालना है? एमएलई ऑफ सिग्मा कैप स्क्वायर इज वन अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पढ़ा हुआ है कभी ये? हाँ जी बच्चों। यस सर। ओ भाई, एमएलई ऑफ सिग्मा कैप स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। एमएलई ऑफ सिग्मा कैप, ये तो ठीक हो रहा है ना बात, इज इक्वल टू अंडर रूट एन माइनस वन एस। ये बात ठीक हो रही है ना भाई अमरते बाबू? सिग्मा कैप स्क्वायर एन माइनस वन बाय एन स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसके लिए ये भी आ रहा है भाई सिग्मा के लिए। वन अपॉन एन माइनस वन फॉर्मूला नहीं होता सिग्मा कैप स्क्वायर।
चलो दोबारा दिखाओ बेटा, एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एन माइनस वन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और सिग्मा कैप स्क्वायर आता है बेटा वन अपॉन एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको तुम्हें एस स्क्वायर बनाना पड़ता है बेटा, एस स्क्वायर तो सिग्मा कैप स्क्वायर तो एस स्क्वायर आ गया, तो इसलिए सिग्मा कैप एस अंडर रूट एन माइनस वन बाय एन आ गया। करेक्ट है ना बेटा? डू ट्राई एट होम, बी आंसर करेक्ट है ना भाई? यस सर। बढ़िया क्वेश्चन संजना जी। एमिली निकाल के ही आंसर आया है, क्योंकि हम इतनी बार निकाल चुके हैं कि दिमाग में छप गया है। आप एमिली निकालो ना वेरिएंस का, नॉर्मल का बेटा। हाँ यही आएगा बेटा, ये कई बार कर चुके हैं। जैसे अब पॉइजन का बार बार कौन निकाले, लैम्डा कैप एक्स बार है, एक्सपोनेंशियल का बना कौन एक्स बार है, हाँ वो याद हो गया मुझे तो। बढ़िया क्वेश्चन था ना ये? यस सर जी, और भी बढ़िया है। अठारह सैंपल साइज है भाई आपका, और देखो रुको, क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स दिया है? एक्सपोनेंशियल बन जाएगा y is equal to x square, तो y follows exponential with parameter 1 by theta, या y follows gamma भी बोल सकते हैं इसको, 1 comma 1 by theta, ऐसे बोल सकते हैं बेटा। चेक कर लो, नाराज की मत देखना मुझे। तो आ जाओ लो, तो भाई एक्स स्क्वायर तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा, है ना? तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आई 1 टू 18 है, तो गामा विद पैरामीटर 18 कॉमा 1 बाय थीटा, मतलब वही बात वही है ना? ओ भाई समेशन एक्स आई स्क्वायर गामा हो गया, अब इसको 2 लैम्डा कर दो इसमें, इसको जेड मान लो, 2 लैम्डा जेड फॉलोस काई स्क्वायर 2 अल्फा होता है क्या? तो अल्फा 18 36 हो गया क्या काई स्क्वायर? 36 हो गया, देखते जाओ चुपचाप तुम लोग बस। अब कितना परसेंट? 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 36 आएगा ना हमारा, तो 36 कॉमा 1 माइनस अल्फा बाय 2 और 2 लैम्डा जेड, लैम्डा मतलब 1 बाय थीटा जेड पाई स्क्वायर 36 कॉमा अल्फा बाय 2, एक तो थीटा निकालना ना अपने को, तो बाय थीटा उल्टा पलटना पड़ेगा इसको तो सारे को, नहीं बेटा? और 2 जेड नीचे आएगा सबके, ऊपर आएगा मतलब जेड किसके, जेड मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर के, तो आंसर आएगा 2 थीटा ऊपर आया ये नीचे आया, तो 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर तो दोनों के ऊपर ऊपर आ गया भाई। ओके और नीचे की तरफ आ गया मेरे बेटा, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, काई स्क्वायर 36 अल्फा बाय 2 यहां आ गया बेटा, और काई स्क्वायर 36 1 माइनस अल्फा बाय 2 यहाँ आ गया, ये आया थीटा। क्यों गलत कह रहा हूँ बच्चों? अब ढूंढो कौन सा आंसर ठीक है इसमें से। अल्फा 2% है तो 1% पे हुआ ना, 0.01 वाली वैल्यू आएगी ना बेटा, तो एक में अगर ये 1% है तो ये 99 हुआ ना। तो ये 0.001 18 आ रहा है, 36 आना चाहिए बेटा, डी तो हो नहीं सकता।
नहीं 001 आएगा ना बेटा, क्या बात कर रही है तू, टू टू तो ए क्यों नहीं आ रहा, ए में एक में का स्क्वायर नहीं, स्प्रिंटिंग है शायद वो, ए 18 ये गलत है, 18 ये गलत, 36 और सी दोनों ही सेम है हो गए ना। हाँ कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग में गड़बड़ है, कोई नाराज मत हो, ए आंसर ठीक है वैसे, अभी टी को कंफ्यूजन में डाल देते हैं, ठीक है। वैसे तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर, एक बार फिर से समझाओ। ओके रिपीट अभी करते हैं। ये भी गलती है यहाँ पर, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स समेशन एक्सरसाइज स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, थीटा की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, एन तो 18 है हमारे पास, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, पर वैसे मैंने अगर वाई को एक्स स्क्वायर लूं तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, देखो लिखा ना मीन थीटा या 1/थीटा मर्जी है, तो समेशन एक्स का स्क्वायर का, क्योंकि आई 1 to 18 है बेटा, 18 कॉमा, अब मुझे पहुंचना है काई स्क्वायर तक, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इफ एक्स फॉलोज गामा अल्फा लैम्डा देन 2 लैम्डा एक्स फॉलोज काई स्क्वायर, तो लैम्डा जो 1/थीटा था यहाँ बेटा ये होगा, तो ये वाला रूल अपनाई किया बेटा हमने काई स्क्वायर तक पहुंचने का, गामा पे पहुंच गए थे, सो 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह 1/थीटा, जेड का मतलब समेशन एक्स स्क्वायर है बेटा, तो काई स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा हमारे पास है 18, तो 36 आ गए बेटा हमारे पास, तो 1 - अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था, फोटो में दिखाऊं, चल तेरे नेक्स्ट पेज फोटो में दिखाता हूं। ऐसा पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है काई स्क्वायर का, ये वाली वैल्यू अल्फा बाय 2 पे है, ये भी अल्फा बाय 2 पे है मेरे बेटा, और ये 1 - अल्फा है, ये वैल्यू आएगी काई स्क्वायर 36 अल्फा बाय 2, ये वाली आएगी काई स्क्वायर 36 1 - अल्फा बाय 2, तो जो इंटरवल है 1 - अल्फा पी, ये ए वैल्यू लेता हूँ, ये बी, ए इज 2 लैम्डा, लैम्डा मतलब 1/थीटा, जेड जेड का मतलब क्या है समेशन, तो ये फॉलो करता है किसको बेटा, काई स्क्वायर 2 अल्फा हो, राइट, तो बी, अब इसमें से मुझे सिर्फ थीटा चाहिए था बेटा, तो मैंने रिवर्स किया 1/b, आया समझ में नहीं, तो थीटा अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर 1/b, याद आया कुछ, तो पी 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर को ऊपर ले गया बेटा, बी नीचे, थीटा बीच में, 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन जो भी ए बी जो भी कहां ले गए, ए यहां आ गया और बी वहां चला गया ए, तो ये इस तरह से आंसर बताया बेटा मैंने, ठीक है, तो काफी कैलकुलेशन थोड़ी मन से में कर रही है मतलब, वैसे तो दिख गया था कि 36 वाला ही करेक्ट होगा, और तो 0.001 वाला भी ठीक था, ठीक है। हो गया अभी, चलो आगे देखो, 19 था 18, ये क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से सारे, इसके चारों पार्ट करने हैं अपने को, हमारे पेपर का क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो हमें नहीं आना चाहिए, अच्छा डी पार्ट नहीं आना चाहिए हमारे को, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स के, मतलब हमें इंडिपेंडेंट थीटा बनाना होता है, पर मैं करा दूंगा इस बार वाला क्वेश्चन, तभी तो कह रहा हूँ चारों पार्ट करो बेटा। सर ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, यस मेरे बेटा, समेशन एक्स है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, बहुत बढ़िया पिटमैन कूपन थ्योरम, और समेशन एक्स आई भी होगा कैसे बेटा, हाँ तो समेशन एक्स आई भी तो आएगा ऊपर, तो थीटा में समेशन एक्स आई आएगा ना बेटा, क्या हो गया तेरे को, अच्छा थीटा स्क्वायर है नीचे,
तो थीटा स्क्वायर कटा थ्रू समिटेड समिटेड द समेशन एक्स एक्स स्क्वायर ये वो तो सफिशिएंट तो होगा लेकिन कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट नहीं होगा नो जॉइंट है ना यस सर गुड गुड सफिशिएंट पर कंप्लीट नहीं होगा गुड तो वो तो प्रूव करके भी दिखा दूंगा मैं और क्या है बेटा सी पार्ट देखो लाइक्लीहुड रेशियो बनानी पड़ेगी आपको यस सर लाइक्लीहुड रेशियो में ये चेक करना होगा बेटा कि क्या एच वन इज ग्रेटर देन एच नॉट आ रहा है थीटा वन माइनस थीटा टू में थीटा वन थीटा टू है ना इसमें नहीं है लेने पड़ेंगे आपको एक को थीटा वन एक को थीटा टू ग्रेटर देन वन आना चाहिए सर वो नॉट ट्रू पूछ रहा है तो बी वाला ही हो गया ना नॉट ट्रू हाँ बी वाला ही नॉट ट्रू हो गया सही बी ही फॉल्स स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया रॉन्ग हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा करना होता है बेटा बताता हूँ करूँ करूँ बेटा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छा जीरो है ये तो मुझे थोड़ा दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको जो एक मिनट गलती है यहाँ पर चेक कर लेना ये आएगा ये एक्सप्रेशन ये आएगा ये आ गया ना अब एक्सन माइनस एक्स वन करो जरा एक बार एक्सन क्या आएगा वन विच इज है ना विच इज फ्री फ्रॉम थीटा ना Yes, yes, which is free yes, from theta. तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये अच्छा मतलब गलत है सॉरी कहने का मतलब ये तीनों ठीक है और बी गलत है तो बी को सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली अरे करेक्ट है अच्छा ये मोनोटोनिक क्यों होगा क्योंकि मैं बताता हूँ थीटा वन अपॉन थीटा नॉट की पावर में समथिंग आ जाएगा आपका विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए तो एच वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट एच नॉट तो मोनोटोनिक हो गया अरे ठीक है इंक्रीजिंग हो गया ये लेस देन होता तो भी मोनोटोनिक हो जाता बेटा वो अच्छा क्वेश्चन है ए बी सी डी इसके चार ऑप्शन एंसिलरी बस यही है फ्री फ्रॉम थीटा होना चाहिए बस एक्सपेक्टेशन या नॉर्मली आप जैसे इंटरवल में मैं कराऊंगा इसके मैं चलो एंसिलरी बता दूंगा वैसे तो गेट में क्वेश्चन है इसके और नेट में हमारे को नहीं सर एच वन ग्रेटर देन एच नॉट है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो रहेगा मतलब लेस देन बी हो तो मोनोटोनिक का मतलब होता क्या है बेटा या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो हाँ जी ग्रेटर देन जीरो सॉरी तो ये भी मोनोटोनिक है बेटा हाँ बेटा दोनों ही बोल रहा हूँ मैं भी ये भी मोनोटोनिक है अच्छा ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 पे आ जाओ रैंडम सैंपल x1 टू xn ऑफ साइज 6 बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा द नल हाइपोथेसिस थीटा हाफ ऑल्टरनेटिव थीटा ग्रेटर देन बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक समेशन xi तो समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल हो गया राइट बेटा व्हिच इज y ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 4 y कॉरस्पोंडिंग टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 4 अच्छा तो भाई मतलब समेशन एक्स आई इक्वल टू 4 हो गया है ना बेटा यही कहना चाहता है ना वो तो पी वैल्यू हाँ तेरा पी वैल्यू
ऑफ द टेस्ट एंड भाई पी वैल्यू पूछ रहा है सर तो राइट टेल्ड है ये पी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल इजन दिया बेटा वो राइट टेल्ड हाँ समेशन एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाफ तो बताओ भाई समेशन एक्स आई क्या क्या हो जाएगा बायनोमियल है ना सिक्स है ना फोर फाइव सिक्स हो जाएगा क्या करो बेटा फिर इसका आंसर मेरे पास तो 11/32 आया हुआ है What is p value Amartya? It is the probability of rejecting H naught. True value of the probability rejected. तो reject करने की probability बता रहे हो बेटा आप ये. निकाल दे हाँ डायरेक्ट निकाल दिया बेटा. टेस्ट स्टडीज बनाओ एक तरीका और करके देखूं. एक और तरीका कराऊं अमरते एक और तरीके से बताता हूँ रुचा. डायरेक्ट था ना? हाँ ये तो है ही है डायरेक्ट ही ये तो हाँ. और हम ले सकते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अमरते थीटा कैप माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट थीटा कैप वन माइनस थीटा कैप बाय एन फॉलोज एन जीरो वन थीटा कैप होता है हमारा एक्स बाय एन पर एक्स एक्स फोर दे रखा है तो थीटा कैप है हमारा एक्स बाय एन प्लस माइनस पॉइंट फाइव रूट जाए एक मिनट ये तरीका भी देख लो एक बार जरा प्लीज एक्स है फोर एन कितना है सिक्स मीन क्या होता है बायनोमियल का बेटा बच्चों मीन बताओ एन पी एन कितना है सिक्स पी हाफ थ्री हो गया थ्री तो समेशन एक्स आई है फोर फोर है ना वैल्यू तो माइनस पॉइंट फाइव होगा माइनस पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फाइव अब बेटा तो अब प्रीति तो करिए मेरे हेल्प करिए बेटा प्रीति थ्री पॉइंट फाइव माइनस थीटा आ गया थीटा क्या तेरा अरे रुक तो जा भाई अभी कर देते हैं परिधि करिए बेटा माइनस थीटा थीटा कितना हुआ मेरे बेटा इसमें हाफ ना पॉइंट फाइव थीटा कैप थ्री पॉइंट फाइव बाय सिक्स वन माइनस थ्री पॉइंट फाइव बाय सिक्स अपॉन सिक्स मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बता दे बेटा फिर मैं इनको पी वैल्यू बताता हूँ राइट टेल टेस्ट है ना तो प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अभी पी वैल्यू निकाल के दिखाता है तुम्हें ये ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी है बस ये कैलकुलेशन आंसर बता दे पड़ी थी यस सर बस एक मिनट हाँ कोई नहीं सर सिक्स भी अंडर रूट में ही है ना हाँ जी सब अंडर रूट में बेटा सारा सारा हाँ ओके ओके 0.415 आ रहे हैं अभी बताते हैं 11/32 वैल्यू क्या है .34 मैं वैसे पूछ रहा हूँ मतलब .346 0.4104140 इसको स्टैंड नॉर्मल में देख के बताइए टेबल में वैल्यू क्या आ रही है
0.41 की वैल्यू। जीरो पॉइंट सिक्स फाइव नाइन वन माइनस करिए बेटा क्या है 0.1 माइनस 6.591 जीरो पॉइंट 3409 इसको 3409 को एसडी बताना इसको परिधि डेसिमल से उसमें करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस सर। स्टैंड फॉर्म में बेटा एसडी दबा देना एसी के बगल वाला क्लिक। यस सर यही आ रहा है। वही आ गया ना। यस सर यही है। अब बताओ कौन सा तरीका आसान था। पहला आसान था ना। ये वाला आसान था क्योंकि यही आता था। अच्छा यही आता था बेटा। सर इसमें ना जैसे 0.5 प्लस माइनस कर दिया ना वो चीज स्किप हो जाती है। हाँ वो स्किप हो जाती है। सही कह रही बेटा। जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है बेटा। डिस्क्रीट से कॉन्टिनेंस में कन्वर्ट करते हो तो क्वांटिफिकेशन वन सैंपल में करना जरूरी है बेटा। अब क्या करते हैं मीन की तरफ लेके जाते हैं। तो मीन जो था बेटा इसका 3 था तो 4 वैल्यू थी। 4 को 3 तरफ लेके जाएंगे तो माइनस करना पड़ता है। पर वो आपने डायरेक्ट वाला कैसे किया एक बार बताना। अभी बताया ये लिख लो पहले लिखा रहेगा तो अच्छी बात है। What is p-value? Is the size of test null at which we reject the null hypothesis. P-value वही तो है जिस पे आप reject करोगे null hypothesis को। तो मैंने क्या किया जो तेरे को शॉर्टकट बताया बेटा वो क्या किया मेरे बच्चे जरा देख। p-value अल्फा ले लिया बेटा। ये अल्फा ही तो है तो साइज ऑफ टेस्ट बेटा। समेशन xi greater than 4 given h not is true मतलब theta is half। अरे यही किया ना बेटा। रिजेक्ट एच नॉट तो बाइनोमियल में एक बार इसको वाई ले ले। वाई इज इक्वल टू 4 व्हेन थीटा इज हाफ की बॉडी प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थीटा हाफ प्लस वाई इज इक्वल टू 6 थीटा हाफ। ये एक ही बात तो अल्फा ही तो आएगा बेटा इससे है ना मेरे बच्चे। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा पी वैल्यू तो बोल देते हैं। ऐसे किया बेटा मैंने है ना। पर ये भी अच्छा है ना आसान था ना तरीका। ये भी ये ज्यादा उसमें कैलकुलेशन बहुत है इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है बेटा। ऑफ कोर्स बेटा व्हाट इज अल्फा साइज ऑफ टेस्ट व्हाट इज साइज ऑफ टेस्ट ऑन व्हिच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस है ना बेटा। और ये राइट टेल टेस्ट है कि टू टेल है पहले बता जरा। राइट टेल। थैंक यू अल्फा ही आंसर है हमारा। यस सर। राइट लेफ्ट टेल है तो अल्फा ही आंसर है बेटा। मतलब मजा आया इस क्वेश्चन में है ना मरते। यस सर थोड़ी अलग अप्रोच लगी। पर पी वैल्यू आया मुझे इस बात से खुशी है। पी वैल्यू का तो संग्रहालय बना लिए थे सारे क्वेश्चन हो गए अब तो। यस सर सारी अप्रोच कवर कर दी ना पी वैल्यू की तो मेरे को लगता है इतनी इससे ज्यादा क्या पूछेगा यार। नहीं यस सर। चल बेटा सबको करके दिखाना मेरे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। मेथड ऑफ मोमेंट्स का प्री के मार्क्स हैं ठीक है तुरंत करो शाबाश। जी आई एफ कहाँ लिखा हुआ बेटा। नहीं नहीं वो ब्रैकेट गलत लगा हुआ है इसकी। वो खामा खा ब्रैकेट पे ध्यान मत देना इस पे। वो फंक्शन जो है आपका 2 इंटू थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर ही आपका पीडीएफ। मेथड ऑफ मोमेंट से एस्टिमेट करना है बेटा बहुत इजी है।
फिर मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा तुम्हें करने में। अरे आ गया होगा आंसर, क्या है परिधि? दुनी 12 और 8 20 बटे 4 5 हाँ पैरामीटर यस सर, वो तो 5 ही आएगा। इसका मीन भी तो निकालना है बेटा, 3 थीटा बाय 3 आएगा तो 15 आ रहा है आंसर क्या? हाँ हाँ क्या किया आपको? इसका मीन निकालना पड़ेगा ना बेटा, बस सर आ गया मीन आएगा 3/3। डेटा क्या 15 आ गया ना? यस सर। ये तो यहाँ भी वही का क्वेश्चन है। अरे होगा क्यों नहीं होगा, x less than equal to 1 तो पहुंचो पहले, स्टैटिस्टिक्स तो निकालो। चलो थोड़ा दिमाग तो लगाओ पहले बेटा, तभी तो दिमाग कराऊंगा फायदा होगा तभी तो आपको। पहले x i तो पॉइजन है आपका विद पैरामीटर थीटा, सैंपल साइज कितना है अपने पास 5, सभी वैल्यूज का सम कितना आ रहा है 4 है ना, और आपसे बोल रहा है मिनिमम वेरिएंस एंड बाय एस्टीमेटर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, मींस एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1, तो पॉइजन में एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएगा 1 लगाएगा बेटा, तो e की पावर माइनस थीटा प्लस थीटा e की पावर माइनस थीटा, तो e की पावर माइनस थीटा 1 प्लस थीटा आया क्या? समझ में आ गया ना ये तो? Yes, sir. अच्छा समय, अच्छा इसका कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है पहले ढूंढो, क्या समेशन एक्स आई होगा कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के नहीं होगा बोलो? अरे यूएमवी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालिए ना अपने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पॉइजन 5 थीटा पक्का? Yes, अब आपको शो करना है इस एम, yes, हाँ तो आपको शो करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, टी एक्स बार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा 1 प्लस थीटा शो करना है आपको, तो वहां से टी एक्स बार निकालना है आपको। ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते sir? नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं पर कर तो पहले डायरेक्ट लंबा करते हैं, पहले देखते हैं क्या निकलता है हमारा आंसर। करो एक्सपेक्टेशन टी एक्स ई की पावर माइनस 5 थीटा, 5 थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल आ गया
e की पावर माइनस थीटा वन प्लस थीटा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हाँ जी क्या e की पावर माइनस फाइव थीटा को उधर लेके जाऊं तो समेशन टी एक्स फाइव थीटा की पावर कुछ भी कर ले बेटा e की पावर फोर थीटा थीटा प्लस वन कर दूं बेटा e की पावर फोर थीटा को समेशन फोर थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स जीरो से इन्फिनिटी इंटू थीटा प्लस वन। अरे वो समेशन से मैच करने के लिए सिर्फ तो कंपेयरिंग द सम जो भी है उनको समेशन को अलग अलग लगाओ पहले सब पे करो थोड़ा बहुत बेटा थोड़ा बहुत तो करो। तो देखो आपका टी एक्स ये आ रहा है क्या सारा सॉल्व वॉल्व करके फोर बाय फाइव की पावर एक्स एक्स बाय फोर प्लस वन आना चाहिए। तो ये हो जाएगा वन फोर बाय फाइव की पावर फोर फोर प्लस फोर वन प्लस वन टू हो गया तो टू टाइम्स फोर की पावर फोर तो फाइव की पावर माइनस फोर फोर अल्फा इज इक्वल टू दिस विच इज फाइव वन टू ये मांगा था ना इसने ये आंसर आना चाहिए आपका। यहां तक तो पूरा सॉल्व करना है बहुत सारा अभी आप इनको कंपेयर करो दोनों को ना पहले थोड़ा समेशन दोनों पे लगाओ पहले तो फिर कंपेयर करो सॉल्व करके लास्ट में टी एस ये आ जाएगा आपका। इसको अल्फा मान लिया और समेशन एक्स फोर हो गया तो फोर लगा दिया यहाँ भी फोर लगा दिया इसकी जगह थीटा प्लस वन से कैसे माने बेटा समेशन को अंदर लेके जाएगा फोर टू द पावर एक्स है थीटा की पावर एक्स प्लस वन हो जाएगा ना तेरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मैंने लिख दिया हिंट करना घर पे मैंने बीच की लाइनें गायब कर दी हैं सारी क्या वर्षा पासवर्ड किसका इस पे देखो ना क्या चाहिए कौन सा बंद कर रहे हैं अकाउंट वो आईडी जान 2017 वाले पे ऐड वो वाला बार बार डुप्लीकेट बॉटम में उसी उनकी चैट इसमें नहीं पासवर्ड देना पड़ेगा पासवर्ड देना यहाँ ये करना है खुद से आपको करना है नहीं होगा तो मुझसे करवा लेना है यार करो ये वाला आज का लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड लास्ट चलो क्वार्टाइल क्या होता है जीरो से फोर मैंने कराया मैंने परसेंटाइल क्वार्टाइल सब कराया यार पढ़ा नहीं हुआ क्या पॉइंट सी सी निकाल ले आ जाएगा तेरे पास ये वन बाय क्वार्टाइल आ जाएगा तेरे पास क्यू निकाले वैल्यू क्यू क्वार्टाइल की क्यू चाहिए तेरे को डुप्लीकेसी क्या दिखा रहा है मैडम ये बना रहा हूँ तो कुछ शो कर रहा है
तो हमारे पुराने वो ना चले जाए, वो रिव्यूज वगैरह सारे, बहुत सारे रिव्यूज आए हुए हैं यार उसमें। चेंजेस हो गया। एमएलए अच्छा, अरे क्या हो गया तुम्हें, रेंज पैरामीटर पर डिपेंड करती है, एक्शन हो गया ना, सेवन हो गया वैल्यू तुम्हारी, तो एक्शन तो हाँ तो एमएलए तो सेवन हो गया, अब क्वांटाइल निकालना है बस, इसमें क्या करना था बस, क्यों आ जाएगा आंसर आपका, ये भगवान हेलो पासवर्ड गलत बता रहा है, अरे क्या मंगा है ये, रीसेट पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन आपके पास आया कोई, मेल पे आया बोला सर, नहीं नहीं आ रहा गूगल ऑथेंटिकेशन का, नहीं लॉग इन हो गया ना, पासवर्ड चेंज नहीं हुआ ना, मेल पे आएगा, हाँ जी ए पी क्योंकि वैल्यू, हाँ थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है ना, हाँ तो इसका एमएलई तो आ गया सेवन और क्विंटाइल आ गया आपका 3.5 करेक्ट है, तो सीआर भी निकालो चलो, अरे सीआर भी दिया भाई आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा पहले बता सकते हो तुम, आगे गामा ही है आता है सीआर में निकालना, बीटा स्क्वायर का निकालना है, टू बीटा का स्क्वायर, अच्छा टू बीटा का स्क्वायर अपॉन डबल डिफरेंशिएशन डबल ये आएगा ना, चलो बेटा सारे बच्चे करो ना संजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा सीआरएल निकालने का, आंसर 1.6 आना चाहिए मेरे बेटा लास्ट में।
क्योंकि आपका क्वेश्चन में एन एट है बेटा और बीटा की वैल्यू टू है दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, मैं कुछ नहीं कर रहा अपने तरफ से। नहीं नहीं रहने नहीं, फाइव एन माइनस फाइव एन अपॉन बीटा स्क्वायर आएगा ना एक्सपेक्टेशन इसका, तो जो सीआरबी वास्तव में आ रहा है वो ये आ रहा है। फाइव एन अपॉन बीटा स्क्वायर ये आ रहा है आंसर, आप चेक करके देख लो। बीटा की पार फोर ये आंसर आ रहा है सीएलबी का।